उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक के घर हुई दिन दहाड़े डकैती। शैक्षणिक व्यवस्था का जिम्मा उठाने वाले संभागीय अधिकारी को ही नहीं मिला न्याय। न्याय की गुहार लगा रहा क्लास वन अधिकारी, पुलिस प्रशासन व नगर निगम प्रशासन बना मूक दर्शक। बताया जा रहा है कि समान थाना क्षेत्र अंतर्गत पीके स्कूल के पीछे रहने वाले उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग के अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव के यहाँ दर्जनों भर लोगों ने घुसकर गाली गलौज करते हुए घर में लगे बिजली के मीटर को तोड़ डाला व घर में रखा अन्य सामान ले गए। इसके साथ ही घर में लगे 20 से 25 फीट के हरे भरे पेड़ को भी काट कर ले गए। एक बड़ा सवाल है कि अपने ही घर का हरा पेड़ काटने के लिए शासन प्रशासन की अनुमति चाहिए तो दूसरे के घर का हरा पेड़ कोई कैसे काट सकता है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे मोहल्ले में जहां सनाका खिंचा हुआ है, वहीं पुलिस से संबंधित मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंकज श्रीवास्तव जो कि फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग रीवा संभाग का जिम्मा उनके ऊपर है, वो खुद काफी सहमे हुए हैं। उनका परिवार दिल्ली में रहता है और उन्होंने अपनी जान माल को खतरा बताया है। पड़ोस में रहने वाले रमा निवास शर्मा के साथ मनोज सिंह नामक व्यक्ति जो खुद को घर नगर निगम का इंजीनियर बताकर घर में घुसे थे, उक्त घटना को अंजाम दिए। क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम यह है कि 11 अक्टूबर को हमारे बगल में रहने वाले रमा निवास शर्मा और नगर निगम के सब इंजीनियर मनोज सिंह अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर के हमारे बाउंड्री में लगभग 11:30 बजे प्रवेश किया और उसके बाद मुझसे कहा कि मैं दोनों पेड़ काटूंगा। मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये पेड़ काटना है, अगर तुम विरोध करोगे तुमको भी काट दूंगा। और उसके हमने साथ धक्का धक्की किया, गाली गलौज किया और उसके बाद पेड़ काटना शुरू किया। पहले उन्होंने मुंडा का पेड़ काटा, उसके बाद इसका पेड़ काटा। आधा जब पेड़ काटा था तो मैं फ़ोन आने लगे भोपाल से, मुझे अपने दायित्व का काम करना था सरकारी, इसलिए मैं जब चला गया अपने कार्यालय। जब वहाँ शाम को 5 बजे लौटा तो उस समय तक पूरे दोनों पेड़ों को उन्होंने काट दिया था और उसके बाद सब ढो के ले गए। लास्ट में 2-3 ढोका ढोते हुए मुझे दिखाई दिए। जब मैंने उनसे रोका, कहा कि सब कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, क्यों पूरा पेड़? उन्होंने कहा कि रमा निवास शर्मा और मनोज सिंह ने कहा कि नहीं, ये सब काट के ले जाओ तब तुम्हारा। इस प्रकार से उन्होंने गुंडागर्दी किया। सर मैं जब अंदर बाउंड्री में आया तो यहाँ पर पूरे 3 मीटर टूटे हुए थे, पूरे तार टूट के गिरे हुए थे। यहाँ पर जो हमारे सामग्री रखी हुई थे, फरुआ था, कुदाली था, बाल्टी थी, मग था, ये सब रस्सी थी, सब कुछ होकर चले गए। और ये खुलेआम उन्होंने डकैती डाला रमा निवास शर्मा ने और मनोज सिंह और उसके आए हुए 8-10 साथियों। घटनाक्रम के पहले किसी भी प्रकार की सूचना प्रशासनिक स्तर पर आपको कोई सूचना नहीं दी गई थी? अचानक उन लोगों ने प्रवेश किया, न कोई नोटिस दिया था, न कोई सूचना दिया था, न किसी प्रकार की मौखिक भी सूचना दी। घटना के बाद पुलिस को आपने क्या जानकारी दी? 5-6 बजे गया समान थाने में रिपोर्ट दिखाने के लिए, उनको आवेदन दिया, उसे रिसीव दिया। शाम को पुलिस वाले 3-4 आए, उन्होंने विवेचना भी किया था, हमारे यहाँ से 2 गवाही भी लिया उन्होंने, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई 3 दिन तक, तो मैंने SP कार्यालय में भी SP साहब को आवेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई संतुष्ट नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? कार्रवाई से नहीं सुने तो मैं न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। मैं अपने प्रति किए गए डकैती और दुर्व्यवहार और इस प्रकार की गुंडागर्दी के विरुद्ध न्यायालय में जाऊँगा तो वहाँ न्याय की गुहार लगा।